देखिए, रंगों का त्यौहार होली जो है आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाता है। आपसी जो दुश्मनी, पूरी एक साल की जो दुश्मनी होती है, आज के दिन आपस में लोग गले मिलते हैं और सारी दुश्मनी को भूल जाते हैं। यही परंपरा रही है होली मिलन में, आदमी आपसी भाईचारे से प्रेम से मिलता है गले, और सभी एक साल के पूरे जो कटुता होती है मन में, जो वैमनस्य होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और हर चीज़ रंगीन हो जाता है। ऋतु भी बसंत ऋतु होता है, इसमें प्राकृत अपने आप में एक अलग खूबसूरत दिखाई देती है। मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान वासियों को, व्यवसायियों को, नौजवान साथियों को, किसान भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। सर, एक सवाल है, इस बार आप भी भाजपा के बड़े नेता हैं, तो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, आपकी बार 400 पार, तो आप इसमें कितना सहयोग निभाएंगे और क्या लगता है 400 पार होगा इस बार? देखिए, देखा जाए तो हम लोग पूरी तैयारी किए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सिवान में चुनाव होगा, लेकिन ये संजोग कहिए या परिस्थिति कहिए कि एक बार फिर से तीसरी बार नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आ गए हैं, अलायंस हो गया है, और उनके साथ हम वाले, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी और जदयू के नीतीश कुमार जी का जो अभी बना है NDA, ये बहुत ही घटक, मजबूत घटक है और सिवान में उसका असर रहेगा। क्या लगता है इस बार सिटिंग कैंडिडेट को भी नहीं टिकट मिल पाया, बहुत सारे लोग का टिकट बिहार में कट? सिटिंग कैंडिडेट को नहीं काटना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि महिला थी, प्रथम महिला थी सिवान की, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हम लोगों को बोलना उचित नहीं होगा किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये जदयू का इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की थी, बिहार में जो सीटें हैं 40 की 40, NDA कितना खड़ा रहेगी उस पर? देखिए, जब 400 पार की बात आती है ना, तो NDA मिला करके बिहार के 40 की 40 सीटों जो है उसको झोली में जाना चाहिए। 80 उत्तर प्रदेश में है और 40 बिहार में है, 42 बंगाल में है और 48 के आसपास महाराष्ट्र में, ये मेजर महत्व रखता है लोकसभा के लिए। अगर ये 3-4-5 स्टेट में बहुमत आ जाए ज़्यादा संख्या में, तो सरकार स्वतः बन जाएगी। इसलिए उम्मीद कीजिए बिहार में अच्छा रिजल्ट आएगा और कल्पना के अनुसार आएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।